मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल जिला इकाई रतलाम द्वारा आज प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर रतलाम शहर एवं ग्रामीण बीआरसी कार्यालय पर एमएल डामोर सर एवं बीपीसी जिला कार्यालय पर डोडियार सर को भैंस को शिक्षा मंत्री का प्रतीक मानकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें भैंस के आगे बीन बजाई गई। जिस तरह मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री निजी विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, निजी विद्यालयों को बंद कराने के लिए प्रयासरत हैं। विगत 15 माह से निजी विद्यालय संचालक संगठन के माध्यम से कई बार आवेदन एवं निवेदन कर चुके हैं, 9 बार मांग पत्र ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी मध्य प्रदेश शासन या शिक्षा मंत्री के कान में जू तक नहीं रेंगी है। इसलिए आज मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भैंस के आगे बीन बजाकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध दर्ज कर रहे हैं। यह आंदोलन प्रदेश के समस्त जिलों की तहसीलों से शुरू हुआ है, जो जिला स्तर पर करने के बाद मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री द्वारा निजी विद्यालयों की समस्याओं का हल नहीं किया जाता है तो पूरे प्रदेश के संचालक भोपाल में एक बार पुनः एकत्रित होकर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री की रहेगी। विरोध व ज्ञापन में अनेक निजी विद्यालय संचालक उपस्थित रहे और अपना विरोध दर्ज करवाया। टीम भारती न्यूज। आज मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल के आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिलों की समस्त तहसीलों में आंदोलन का आगाज किया गया है। शिक्षा मंत्री को हम विगत 15 माह से विभिन्न मांगों को लेकर मांग पत्र और ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का हमारी ओर और निजी विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार है। ना वो सुनना चाहते हैं, ना उन समस्याओं का निदान चाहते हैं। इस वजह से हमको फिर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है। आज के रूप में हमने आंदोलन कराया है। आज हमने शिक्षा मंत्री को भैंस का प्रतीक माना है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भैंस को, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री निरंकुश हो चुके हैं। उनको निजी विद्यालयों की समस्याओं से कोई भी सरोकार नहीं है। क्या करा आपने, बीन बजाई क्या करा? आज हमने भैंस के आगे बीन बजाई है, फिर जिला स्तर पर वृहद प्रदर्शन होगा और उसके बाद भी अगर मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा मंत्री नहीं सुनते हैं या हमारी मांगों पर विचार नहीं करते हैं तो एक बार पुनः 21 दिसंबर 2020 जैसा चिनार पार्क भोपाल में जो आंदोलन किया था उसके लिए हमें भोपाल जाने को मजबूर होना पड़ेगा। Subscribe now to most exciting channel ever.